ये कहानी काफी समय पहले की बात है। एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क में रखवाकर राजा ने अपने सैनिकों से पूछकर उस चट्टान पर नज़र रखने के लिए कहा कि देखना उस चट्टान को रास्ते से आखिर कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे और जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास से लोगों के गुजरने वालों में राजा के कुछ गरीब लोग भी थे और शहर के कई बड़े लोग व्यापारी भी शामिल थे, और उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगते थे कि क्या राजा इस चट्टान को रास्ते से नहीं हटवा सकता। लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास ही नहीं किया। ऐसे काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देखा और सोचा कि सबको इस चट्टान के वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस चट्टान को एक तरफ से धकेलने की कोशिश कर शुरू कर दी। काफ़ी कोशिश के बाद वह उसे सड़क से हटाने में कामयाबी हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक पोल्ट्री पर जाती है जो ठीक उसी जगह पड़ी थी जहां से उसने वह चट्टान को हटाया था। उसने उस पोल्ट्री को खोलकर देखा तो उसमें सोने के कई सिक्के थे और उन सिक्कों के साथ एक राजा का एक संदेश भी था जिसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए है जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सबके लाइफ में भी कई परेशानियां आती है। कुछ लोग उन परेशानियों से बच निकलकर जाते हैं और कुछ रास्ते बदल देते हैं, और चंद लोग ही ठान लेते हैं उन परेशानियों का हल निकाल लेने की। मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिश के परिणाम हमेशा ही अच्छे आते हैं। इसलिए जीवन के परेशानियों से घबराइए मत, बल्कि उन परेशानियों को हल करने की कोशिश कीजिए। जीवन के सफर में आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, कभी कोशिश करने वालों का हार नहीं होता, ये बात आप जानते हैं। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपके बीच मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।